नमस्कार, nishamadhulika.com में आपका स्वागत है। जब रोजाना की सब्जियां खाते खाते मन भर जाए, तब खास तरह की मिक्स वेज सब्जी वेज हांडी बनाइए, आपको बहुत पसंद आएगी। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। वेज हांडी बनाने के लिए सबसे पहले हम सब्जियां काटकर तैयार करेंगे। सब्जियों में हमने 1 कप फूल गोभी काट कर ले लिया है। इसे हमने धोकर पानी सूखने तक सूखा कर लिया है। और ये हमने 5 बेबी कॉर्न लिए हैं, इन्हें हम 1.25 इंच के टुकड़ों में काट लेते हैं। सारी सब्जियां हमने पहले ही धोकर पानी सूखने तक सुखा के रख ली हैं। ये हमने 1 शिमला मिर्च लिए, इसे भी हम काट लेंगे, बीज हटा देंगे और इसको भी हम 1.25 इंच के पीसेस में काटेंगे। हमने शिमला मिर्च भी काट कर तैयार कर ली। और ये हमने 2 परवल लिए हैं, इन्हें भी काट लेंगे। तो परवल को पहले हम छीलेंगे, बिल्कुल पतला छिलका हम इनके ऊपर से इस तरीके से निकाल देंगे। ये परवल हमने छील लिए, इन्हें भी हम काट लेते हैं। और ये हमने 2 आलू लिए हैं, आलू हमने पहले इसे छील कर रख लिए थे, पानी में डाले हुए हैं, इन्हें हम इसी तरीके से बिल्कुल 1.25 इंच के टुकड़ों में काट कर ले लेंगे। ये सब्जियां हमने काट कर तैयार कर ली, अब हम इन्हें पकाएंगे। गैस ऑन कर लेते हैं और पैन में 1 टेबल स्पून तेल डाल देंगे। तेल को गर्म होने देते हैं। तेल गर्म हो गया है, तेल में हम जीरा डाल देंगे और जीरे को हल्का सा भूनेंगे। और अब हम इसमें सब्जियां डालेंगे। तो हम ये फूल गोभी डाल देते हैं और बाकी की सब्जियां भी डाल देते हैं। और 1/2 छोटी चम्मच नमक डाल देते हैं। मिक्स करते हुए सब्जियों को भूनते हैं थोड़ा सा। सब्जियों में हमने फूल गोभी, शिमला मिर्च, बेबी कॉर्न, परवल और आलू लिए हैं। आप इसमें अपनी पसंद के अनुसार बीन्स, गाजर, मशरूम, जो भी चाहें डाल सकते हैं। सब्जियों को ढककर धीमी आंच पर 5 मिनट पकने देंगे, इसके बाद चलाएंगे इन्हें। जब तक हमारी ये सब्जियां इधर पकेंगी, तब तक हम दूसरी कढ़ाई में मसाला भूनकर ग्रेवी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो हम ये वाली कढ़ाई उधर रख देते हैं और ये कढ़ाई इधर रख लेते हैं, इसमें हम मसाला तैयार करेंगे। पैन में हम 2 टेबल स्पून तेल डालेंगे। तेल को गर्म होने देंगे। हमने थोड़े से साबुत मसाले लिए हैं, इसमें ये 1 इंच पतली सी दालचीनी ले ली है, 6-7 काली मिर्च, 2 लौंग है और 1 बड़ी इलायची है। तो ये बड़ी इलायची को हम छील कर इसके दाने निकाल लेंगे। दाने हमने हल्के से क्रश कर लिए हैं। तेल गर्म हो गया है, तेल में हम ये साबुत मसाले डालेंगे, थोड़ा सा भूनेंगे, आग धीमी रखेंगे ताकि हमारे मसाले जले ना। और अब हमें चाहिए टमाटर अदरक का पेस्ट। हमने 4 टमाटर लिए हैं, 1/2 इंच टुकड़ा अदरक का लिया है, 2 हरे मिर्च लिए हैं, इनको पीसकर बारीक पेस्ट बनाएंगे। पहले से ये पेस्ट बनाकर रखा था, ये ले लेते हैं। ये पेस्ट हम कढ़ाई में डाल देंगे। अब आग मीडियम कर लेंगे और अब हम इसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हमने 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च ली है। आप अगर ज़्यादा तीखा खाना पसंद करें तो लाल मिर्च ज़्यादा ले सकते हैं। और ये थोड़े से अदरक के जूलियंस, थोड़े से हम बचा लेते हैं, गार्निश के काम में आएंगे। और मसाले को तब तक भूनेंगे जब तक कि मसाला तेल ना छोड़ दे। बीच बीच में इस तरीके से चलाते रहेंगे। और उधर हम अपनी सब्जी को भी चेक करते रहेंगे।
5 मिनट हो गए हैं, सब्जियों को चला देते हैं। तो अभी तो हमें दिख रहा है कि सब्जियां कुक नहीं हुई हैं, इन्हें हम चलाकर फिर से ढक देंगे और 5 मिनट बाद फिर चेक करेंगे। और हमारा मसाला हम मीडियम आग पर भूनेंगे, हमारे पास काफ़ी टाइम है। जब तक सब्जियां हमारी पकती हैं तब तक हमारा मसाला भूनकर तैयार हो जाना चाहिए। मसाले से तेल अलग हो रहा है, मसाला अच्छी तरह भूनकर तैयार है, अच्छी सी खुशबू भी आ रही है मसाले से। हम अपनी सब्जियां भी चेक कर लेते हैं। आलू के टुकड़े को हम देख लेते हैं, आलू का टुकड़ा पूरा अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो गया है, सारी सब्जियां सॉफ्ट होकर तैयार हो गई हैं। और हमने इन्हें भाप में पकाया है, सब्जियां हल्की क्रंची भी हैं। अब हम मसाले और सब्जियों को मिलाएंगे। गैस बंद कर देते हैं सब्जियों वाली। हमारा मसाला भूनकर तैयार है। अब हम मसाले में 1 कप पानी मिलाएंगे और 1/4 छोटी चम्मच गरम मसाला और 1/2 छोटी चम्मच नमक, थोड़ा सा हरा धनिया भी डालेंगे। ये हमारी ग्रेवी हो गई। इस ग्रेवी में ये सब्जियां डालकर मिला दें या सब्जियों में ये ग्रेवी डालकर मिला दें। हम ग्रेवी में सब्जियां मिला देते हैं, मिक्स कर देंगे। और ये हमने 1 टेबलस्पून क्रीम लिए है, ये भी हम इसी में डाल देंगे। मिक्स करते हुए थोड़ा सा चलाते रहते हैं जब तक कि सब्जी में उबाल नहीं आ जाता। सब्जियों में उबाल आ गया है। अब हम सब्जियों को ढककर धीमी आग पर 5-6 मिनट पकाएंगे ताकि सब्जियों के अंदर सारे मसाले एब्जॉर्ब हो जाएं। सब्जी को हमने पूरे 6 मिनट धीमी आग पर पका लिया है। सब्जी बनकर तैयार है। इसे हम प्याले में निकाल लेते हैं, गैस बंद कर देते हैं। वेज हांडी सब्जी बनकर तैयार है। बहुत अच्छी सब्जी बनी है और इसमें हम थोड़ा सा हरा धनिया डालकर सब्जी की गार्निश कर देते हैं। थोड़े से अदरक के जूलियंस भी डाल देते हैं। वेज हांडी खाने के लिए तैयार है। इसके साथ में चपाती, पराठे, नान या चावल कुछ भी सर्व कर सकते हैं। और इतनी सब्जी परिवार के 4-5 सदस्यों के लिए पर्याप्त है। तो आप वेज हांडी बनाइए, खाइए और अपने अनुभव nishamadhulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।